हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लोरीमेट्री के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरीमेट्री एनालिसिस या फिर फ्लोरीमेट्री जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था वो आपका सैंपल का कंसेंट्रेशन मेजरमेंट के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। तो ये जो फ्लोरीमेट्री एनालिसिस है नेक्स्ट जो आपका है फ्लोरीमेट्री, तो ये जो आपका फ्लोरीमेट्री एनालिसिस है ये सैंपल के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस में यूज होने वाला है। मतलब इससे हमको सैंपल का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेजरमेंट हो जाएगा। इट इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस। सबसे पहली चीज़ जो बेसिक होता है कि आपका जो फ्लोरीमेट्री है वो इमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि आपका यूवी था वो आपका एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करता था, बट ये जो आपका फ्लोरीमेट्री है ये इमिशन के प्रिंसिपल पे काम होने वाला है, वर्क करने वाला है। इट इज़ वर्क ऑन द टू प्रिंसिपल, दैट इज फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है इसको आप समझिए। फ्लोरेसेंस इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूजुअली विजिबल लाइट कॉज्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ एटम इन अ मटेरियल विच इज री इमिट ऑलमोस्ट इमिडिएटली विद इन अ 10^-8 सेकेंड। सिंपली क्या है कि जब मान लीजिए आपका सैंपल कोई जो ग्राउंड स्टेट में रहता है, ठीक है, इसमें आपने एनर्जी दिया, लाइट दिया, रेडिएशन दिया, तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट, ये आपका ग्राउंड स्टेट। तो जब वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेज में जाता है तो वो हमेशा अपने एक्साइटेड स्टेज में नहीं रहता। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। तो ये जो फिर से ग्राउंड स्टेट में आना ये कहलाता है इमिशन। मतलब लाइट पहले ऊपर जा रही थी एक्साइटेड स्टेज में, फिर वो नीचे आएगी तो वो इमिशन कहलाता है। ये होता है इमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये किस वर्क प्रिंसिपल पे काम करता है? इमिशन के प्रिंसिपल पे। इसमें दो टर्म यूज होंगे, फ्लूरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। फ्लूरेसेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये लाइट तुरंत ही इमिट हो जाएगी, ठीक है, अगर ये इमिशन तुरंत होगा, तुरंत इन द सेंस इट्स 10^-8 सेकेंड, अगर उतने देर में ये इमिट हो जाता है तो वो कहलाता है फ्लूरेसेंस। और अगर ये थोड़ा टाइम लेता है इमिट होने में, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर ये लाइट इमिट होने में मॉलिक्यूल्स जो है इमिट होने में थोड़ा टाइम लगाता है तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। बस तो अगर हम इन टेक्निकल टर्म्स इसकी बात करेंगे तो हम इसे कहते हैं फ्लूरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। मतलब अगर एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर हम बोलेंगे तो वो है फ्लोरेसेंस, और अगर शॉर्ट टाइम का प्रोसीजर है वो है टाइम टेकिंग प्रोसीजर जो है वो है आपका फॉस्फोरेसेंस, और शॉर्ट टाइम का जो प्रोसीजर है वो है आपका फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इनिशियल एक्साइटेशन इज यूजुअली कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन और पार्टिकल सच एज एक्सरे। मतलब जो आपका मॉलिक्यूल्स है, जो आपका मॉलिक्यूल्स जो एक्साइटेड स्टेज में गया हुआ है, ग्राउंड स्टेज से मॉलिक्यूल्स कहाँ गया है एक्साइटेड स्टेज में, और फिर वो उस समय जब वो लाइट को इमिट करेगा उस समय जो आपको मेजरमेंट एनालिसिस होगी उसको हम कहते हैं आपका फ्लोरीमेट्री या इमिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरेसेंस। तो फॉस्फोरेसेंस के बारे में क्या बोल रहा है, फोटो ल्यूमिनेसेंस रिलेटेड टू द फ्लोरेसेंस व्हेन इट इज एक्सपोजर टू लाइट दैट इज रेडिएशन ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ द फोटो रिएक्टेंट सब्सटेंस विल बी ग्लो एंड अब्सॉर्बिंग द लाइट एंड री इमिटिंग एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब अगर वो टाइम टेकन ज्यादा देर तक लॉन्गर वेवलेंथ पे आपको अगर री इमिट कर रहा है तो हम उसे कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा है, व्हेन एनी सब्सटेंस एब्जॉर्ब द लाइट एंड दे गोज फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट आफ्टर गोइंग एक्साइटेड स्टेट रिमूविंग द लाइट एंड दे आर कंटिन्यूअसली इमिटिंग द लाइट एंड शाइनिंग फॉर द फ्यू सेकेंड फ्यू आर और समटाइम फ्यू डेज, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। जैसे आपने देखा फ्लोरेसेंस का टाइम, इमिट करने का टाइम क्या है, 10^-8 सेकेंड, मतलब बहुत कम सा टाइम है। और आप अगर बात करोगे फॉस्फोरेसेंस की तो वो कितना है, कभी कभी वो आपका हो सकता है फ्यू टाइम्स, मतलब फ्यू सेकंड के लिए, फ्यू आर के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए, और समटाइम्स इट्स फ्यू डेज। मतलब ज़्यादा देर तक अगर वो लाइट को इमिट करता है तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस, और अगर वो कम शॉर्ट टाइम के लिए करता है तो उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। इसको सिंपल आप लैंग्वेज में समझना चाहें तो आपने देखा होगा ग्रीन वाला बोर्ड जो लगा होता है रोड पे,
तो वो जो ग्रीन बोर्ड है नाइट में जो ग्लो करता है, ठीक है, मतलब आपकी लाइट जैसे ही आपकी गाड़ी की लाइट रोड के ग्रीन बोर्ड पे जैसे ही पड़ती है तो वो क्या करता है, ग्लो करने लगता है, दैट इज फ्लूरेसेंस। मतलब उसने लाइट को तुरंत एब्जॉर्ब किया और इमिट किया जिससे आपको वो ग्लो करता हुआ दिखा और आपने उसको पढ़ लिया। और अगर आप बात करोगे फॉस्फोरेसेंस की तो वो है रेडियम वाली वॉच, जिसको नाइट में अंधेरा करने से वो जो चमकती थी, शाइन करती थी और फिर कुछ देर तक वो चमकती रहती थी, तो वो क्या कहलाता है, फॉस्फोरेसेंस। फ्लूरेसेंस का टाइम कितना होता है, 10^-12 से 10^-9 सेकेंड तक ग्लो कर सकता है वो। एंड फॉस्फोरेसेंस टाइम इज 2-3 डेज, दैट इज मैक्सिमम टाइम। अब बात करते हैं फ्लूरीमेट्री की। फ्लूरीमेट्री क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लूरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल इज नोन एज फ्लूरीमेट्री एनालिसिस। मतलब फ्लूरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की हेल्प से किसी भी सैंपल का कंसेंट्रेशन का मेजरमेंट करना ही कहलाता है फ्लूरीमेट्री एनालिसिस। द प्रोसेस और द फिनोमिना वेयर फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल विद द हेल्प ऑफ फ्लूरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, दिस इज कॉल्ड फ्लूरीमेट्री एनालिसिस। मतलब ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण या जिसकी हेल्प से आप किसी भी सैंपल का कंसेंट्रेशन जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, कोई भी सैंपल, फॉर एग्जाम्पल कोई सैंपल है वो कहाँ है, अपने ग्राउंड स्टेट में। एक चीज और, कभी भी कोई भी सैंपल अगर ग्राउंड स्टेट में होता है, अगर आपने उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट या एनर्जी जब उसे दी तो वो अपने, मतलब उसके पास तीन एनर्जी पहले से होती है, दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे VERT। चार एनर्जी जो होती है इसमें, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड ट्रांजिशनल एनर्जी। इसमें हम तीन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से जो एनर्जी है इसके पास, ये पहले से होती है, बट ये स्मॉल अमाउंट ऑफ होती है, मतलब ये कम अमाउंट में इसके पास होती है। जब आप इसे बाहर से कोई और एनर्जी देते हो तो ये सारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और फिर हमारा मॉलिक्यूल्स ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे देखिए, ये एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट में थी, फिर ये एक्साइटेड स्टेट में जाने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स जो है जैसे ही बाहर से उसे एनर्जी मिली तो ये सारी एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, वो एक्साइटेड स्टेट में हमारा मॉलिक्यूल्स चला गया। अब ये जो है, अगर आप मान लीजिए ये आपका सैंपल है, कोई सैंपल जो कि अभी ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी है, जब आपने इससे बाहर से एनर्जी दिया तो ये क्या किया, ये ग्राउंड स्टेट में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, एक्साइटेड स्टेज में। तो ये जो कंडीशंस था अभी, तो ये अभी एक्साइटेड स्टेज में गया है, जब ये एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेज में आएगा तो इस टाइम पे जो इमिशन होगा उसके बेसिस पे सैंपल का कंसेंट्रेशन मेजरमेंट करना ही कहलाता है फ्लूरीमेट्री एनालिसिस। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, मैंने बताया फ्लूरेसेंस का टाइम बहुत ही कुछ सेकंड का होता है, फॉस्फोरेसेंस जो है वो टाइम टेक करता है। तो आप ऐसा देखो, फ्लूरेसेंस का जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए वो आपको यहीं पे शाइन करता हुआ दिख जाएगा। तो इस स्टेज को हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेज, जिसका टाइमिंग होता है 10^-9 to 10^-12 सेकेंड। एंड फॉस्फोरेसेंस जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेसर है, तो वो है, इसका मतलब ये हमारा जो सैंपल है उसका डिस्टेंस जो है, इमिट करने का जो डिस्टेंस है वो लंबा है, लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है उसे, इसीलिए ये है वो जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इमिशन। अब इसका प्रिंसिपल एक लाइन का हम पढ़ लेते हैं, इट इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लूरेसेंस इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर फ्लूरीमीटर और स्पेक्ट्रोफ्लूरीमेट्री। मॉलिक्यूल्स कंटेन लाइक सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें या तो सिग्मा बॉन्ड होंगे या पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड लीस्ट एनर्जी, इट इज लीस्ट एनर्जी एंड मोर स्टेबल। तो ये जो मैंने होमोलियोमो आप लोगों को पढ़ाया था, ये वाला जो हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल हम कहते हैं, और ल्यूमो को हम कहते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। होमो वाले कंडीशन में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल दैट इज होमो, इट इज लीस्ट एनर्जी, मतलब इस समय एनर्जी जो है वो लीस्ट होती है और मोर स्टेबल होता है। और अगर आप बात करोगे ल्यूमो की, तो ल्यूमो क्या है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जिसमें एनर्जी जो है वो हाई होती है और ये लीस्ट स्टेबल, मतलब जो इसकी स्टेबिलिटी है वो कम होती है। तो ये आपका ये बेसिक जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल की हेल्प से हम सैंपल का कंसेंट्रेशन अगर मेजरमेंट कर लेते हैं तो वो आपका कहलाता है फ्लूरीमेट्री एनालिसिस। तो फ्लूरीमेट्री जो है बेसिक इमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें दो टर्म यूज होंगे, फ्लूरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। फ्लूरेसेंस का मतलब लाइट को इमिट करना और तुरंत इमिट कर देना, फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है लाइट को इमिट करने में टाइम लगाना। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लूरीमेट्री।